वेलकम फ्रेंड्स। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस, यहाँ पर एक गाइस जॉब रहने वाली है। यहाँ पे गाइस कंपनी का नेम है ऑटिस एलिवेटर कॉर्पोरेशन। तो गाइस इस कंपनी में जॉब रहने वाली है, आपको बता देता हूँ गाइस, इंजीनियर ट्रेनी और ट्रेनी इंजीनियर। गाइस 4 से 5 जॉब्स आई हुई हैं इनकी सेम टाइटल से। तो गाइस 20 घंटे सभी को हो चुके हैं अवे। सभी में गाइस अलग अलग क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, सभी आपको बता दूंगा। सभी की लोकेशन गाइस बैंगलोर कर्नाटका इंडिया में है। और गाइस जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूँ, पहले जैसे मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है इंजीनियर ट्रेनिंग पे, तो इधर ओपन हो चुकी है। तो गाइस इसमें 20 घंटे हो चुके हैं आए हुए। इसमें गाइस 154 एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे बैंगलोर लोकेशन सभी की रहने वाली है। तो यहाँ पे गाइस फुल टाइम इंटर्नशिप इन्होंने लिखी है और अप्लाई यहाँ से करते हैं। तो गाइस डेट वगैरह आप यहाँ पे देखते हैं कब पोस्ट हुई है, कंट्री इंडिया ही रहने वाली है। लोकेशन गाइस प्रॉपरली इन्होंने नीचे बताई हुई है, यहाँ पे प्रॉपरली लोकेशन आपको बता दी गई है कहाँ पे है। और यहाँ पे देखते हैं गाइस इंजीनियर ट्रेनिंग की जो जॉब है विद 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो गाइस बीटेक की सभी ब्रांचेस अप्लाई कर पाएंगी यहाँ पे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे जिसको भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकता है। 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है बीटेक की कोई ब्रांच इंजीनियर यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये आप देखते हैं ये इन्होंने लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट आपको बता देता हूँ गाइस, दोस्तों को अपनी वीडियो जरूर शेयर करना गाइस। और यहाँ पे देखते हैं गाइस ट्रेनिंग इंजीनियर की एक और जॉब है, सेकंड वाली पे मैंने क्लिक किया। तो गाइस पहली वाली में गाइस 154 एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके थे, इस वाली में गाइस ओनली 27 ने अप्लाई किया हुआ है। तो फुल टाइम इंटर्नशिप इसमें भी लिखा है इन्होंने और ये डेट देखते हैं कब आई हुई है। और यहाँ पे नीचे चलेंगे तो इसमें गाइस इन्होंने ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो भी गाइस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने। तो ये गाइस आप पढ़ के ही अप्लाई करना। जो पीछे वाली थी गाइस वहाँ पे सिंपली इन्होंने एक्सपीरियंस बता दिया था 0 to 1, तो इसमें गाइस एक्सपीरियंस नहीं है इन्होंने बताया हुआ, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी हैं, जो आपका रोल रहने वाला है उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये आप पढ़ लेना गाइस, उसके बेस पे ही अप्लाई करना। तो यहाँ पे गाइस बीटेक की सभी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली है। तो इसके नीचे चलेंगे गाइस ट्रेनिंग इंजीनियर की एक और है। तो गाइस इसमें गाइस 66 एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं, तो ये भी गाइस सेम ही है। इसमें गाइस आप देखते हैं इसमें भी जैसे गाइस अभी आपको बताया मैंने वैसे ही इसमें लिखा हुआ है। इसके नीचे चलेंगे गाइस तो यहाँ पे एक और जॉब आती है, तो इसमें देखते हैं गाइस 71 एप्लीकेंट अप्लाई कर चुके हैं। इसमें नीचे चलेंगे इसमें भी गाइस सेम ही लिखा हुआ है, थोड़ा सा गाइस चेंज किया हुआ इन्होंने। पीछे वाले में गाइस थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग लिखा हुआ है बीच में इन्होंने। तो ये पढ़ के ही अप्लाई करना है गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो इनकी है। तो इसके नीचे लास्ट बची है गाइस ये वाली जॉब जो आई हुई है गाइस। इसमें आपको बता दूँ इसमें भी गाइस इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे स्पेशली अप्लाई कर पाएगा। तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियर। तो गाइस यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे कैट टूल वगैरह से जो गाइस यहाँ पे कैट टूल होते हैं क्रियो वगैरह गाइस यहाँ पे आनी चाहिए आपको, अगर नहीं भी आती है तब भी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको ये एडवांटेज देगा अगर आपको ये आती है। तो यहाँ पे ये देखते हैं और गाइस बाकी यही लिखा है इन्होंने, ये गाइस आप देखते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और CSE वगैरह यहाँ पे देख लेना। और भी गाइस यहाँ पे अगर सिविल वाले अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस देख लेना, अपने हिसाब से चेक कर लेना क्योंकि गाइस यहाँ पे यही इन्होंने लिखा हुआ है। तो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतनी, और ज्यादा वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस।